सारे ग सारे प ध म ग सारे ध ध प ध म प ध ध नि रे ग नि ध प ध ध नि ध नि म म ध नि ध नि रे ध नि ध ग प। ये मैंने रट्टा नहीं मारा है, ये मैंने एक एक सुरों को देख देख के देख देख के, अब वो करते करते 40 साल में इतनी आदत हो गई कि दूसरा कुछ काम ही नहीं है, तो बन गया। और आखिरी उद्दिष्ट भी यही है ना। मित्रों नमस्कार, मैं संजय बत्ती स्वरस्वामी, ओल्ड स्वरस्वामी न्यू दोनों चैनल के माध्यम से आपके सामने फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। हमारी गलती होती है तो प्रेस करते ना गाना, तो तुमको लाइट गाने की आदत थी, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन तुरंत गाने की। क्लासिकल में ऐसा मत करो, धने रेगा लोगों को एक्सेप्ट करने दो उसको, धनी गा रे धनी रे गनी रे मगरे गे सनी धनी गे धनी रे सा क्या लेगा, सोच भी नहीं पाएगा उसको। धनी रे ग एक जान ले, निरे परे मरे मारे तुम सोचो, तुम ये मत देखो कि पब्लिक तुमको कितना ये कर रही है, सुन रही है कि नहीं सुन रही, उस पर रखो। और तुम, मैं जो बोलता हूँ तुमको कि तुम तुम्हारे सुर के साथ में चलो, धने रे ग मे म ग धनी मानी ध ग रे प रे ग रे ग प धनी ग रे सा, तो तुम्हारे सुर बेसुर नहीं हो सकते। कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए तुम्हारी? अच्छा मैं तो इन्वॉल्व हूँ सर, ऑन स्टेज पे बैठा हूँ, तबले वाला भी बैठा है, पेटी वाला बैठा है, मैं गाना भी गा रहा हूँ, इन्वॉल्व हो तुम बताओ, तुम शामिल हो, इन्वॉल्व नहीं, तुम उसमें हो पर उसमें मत नहीं। कोरस में बहुत से लोग गाते हैं, शामिल होते हैं, इन्वॉल्व भी नहीं होते, और इसलिए कोरस पे बैठता इधर उधर, कोई नीचे कोई उधर। तुम जो भी कर रहे हो, तुम अपने आप में जब स्टेज पे बैठते हो तो ये बात ध्यान में रखना कि तुमको लोग सुनने आए, और तुम गलियां लेके बैठे, खारखूर खारखूर लेके बैठे तो कुछ 5-10 मिनट एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि गला खराब ही रहे लेकिन तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट और तुम्हारी लगन उसके साथ में अगर है तो खराब गले के गायक भी अपनी महफिल जीत के गए हैं, है ना। दादा ने रे दामा ने दा पा म ग रे ध प रे ग रे ध नि ध ध ग रे ध नि म म ध नि प म ग रे ध नि रे ग म म ध नि नि ध प म ध नि रे म नि म ध नि रे म नि नि ध प म स नि ग रे ध प ग सा रे नि प ध सा रे म ग। अब कहा मुझे आवाज लगाने की जरूरत पड़ी यहाँ पे, नहीं नहीं ऊपर खुला गाना चाहिए, लगाओ सारे बजे करो, मर जाओगे, गला फट जाएगा, लोग भाग जाएंगे, सौंदर्य खत्म हो जाएगा, मिठास खत्म हो जाएगी, गाने में वो बात नहीं आएगी जो तुम चाह रहे हो और जो पब्लिक चाह रही है। कुछ लोग बोलते हैं गाना चुरा के नहीं गाना, ये चुराया नहीं है, ये चुराया नहीं है, क्या किया इसको, इसको उस जगह कितनी जरूरत थी वो समझ के लगाया है, ये चुराया नहीं, ऐसे नहीं करा। सारे मगरे मगरे सनी प म ध प मगरे मगरे सनी ध प ध नी प म ध म ध प म प म ग म रे म ग रे सनी ध, मेरी आंखें यहाँ पे, मेरा दिमाग वहां पे, ये जो चीज चल रही है ये आपके अंदर है, अंदर सबके है, लेकिन उसको कनेक्ट करने का जो टाइमिंग है वो आपके रियाज से बढ़ता है। सोचने का टाइम, सुरों को सोचने का टाइम जिस दिन कम लगेगा उस दिन रियाज बढ़ गया ऐसा समझना, और जितना ज्यादा टाइम लग रहा है तो रियाज और चाहिए समझना। तो सारे ग सारे प ध म ग सारे ध ध प ध म प ध ध नि रे ग नि ध प ध ध नि ध नि म म ध नि ध नि रे ध नि ध ग प। ये मैंने रट्टा नहीं मारा है, ये मैंने एक एक सुरों को देख देख के देख देख के, अब वो करते करते 40 साल में इतनी आदत हो गई कि दूसरा कुछ काम ही नहीं है, तो बन गया। और आखिरी उद्दिष्ट भी यही है ना कि सुरों को इतनी कमांड लाना चाहिए कि हमको जो भी सोचे वो रखना चाहिए।
अगर तुम लिखे हुए पलटों को गाओगे तो जिंदगी भर तुमको उतने ही पलटे आएंगे। तो पलटों की रियाज रट्टा मार के नहीं करना चाहिए, पलटों की रियाज समझ के करना चाहिए। यहां क्या हो गया, सिस्टम चल रही है 1 2 3 4, 1 2 4 3। अब ये पधनिसा की जगह सारे गमा भी हो सकता है, रेगमा भी हो सकता है, गमा पद भी हो सकता है। तो जो भी सुर आ रहे उसमें अब सारे गमा बोले तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सीक्वेंस बदलेगा क्या मेरे को बताओ? नहीं, बराबर है। पहले माले पे रहो या चौथे माले पे रहो, खाना भी खाओगे मतलब वही खाओगे, चौथे वाले पे अलग खाओगे, पांचवें वाले पे अलग खाओगे, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम भी वही रहेगी, जो तुम नीचे कर रहे हो वही सिस्टम ऊपर रहेगी। ये बात ध्यान में रखो कि यहाँ पे जो चल रहा है वो यहाँ चलेगा, वो यहाँ चलेगा, वो जहाँ चलेगा। वो इंजीनियर बिल्डर मतलब 850 स्क्वायर फीट का बांध काम रखा है, ऊपर का सर आपका 250 बना दिया मैंने, ऐसा अगर बोला किसने तो तुम, अगर जानकारी नहीं है तुमको तो बोलेगे हाँ बहुत अपना बड़ा है भैया, ऐसा नहीं हो सकता। नीचे 850 है, चौथे माले पर भी 850 रह सकता है, उससे कम हो सकता है थोड़ा सा, पर तो ज्यादा नहीं हो सकता।